कार्ड। तो सबसे पहला काम यह है कि हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके देखें। देखो, डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इमेज आईडी इज नॉट अवेलेबल, दैट्स व्हाई द मैसेज इज डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट हैपेंड एक्चुअली, इलीगल आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग अनडिफाइंड, इज इलीगल आर्ग्यूमेंट। I just forget the user ID and password. कल तो हम लोग चेक किए थे। चलो साइन अप पहले करके देखते हैं। Log 123 password is this, and two another thing, name, and mobile number, I think, contact. Check out, created successfully. There's a data, okay, but if I log in using this data, so we need a contact number, email ID and password only. Login successful, the success is true. Check out the header here, this is the header, okay. Check out the cookies also here, this is the cookie, the cookie name is token and this is the token, okay. The browser may be stored over here, API may be on the try karke. But hum logo ko अब इसका फॉर्म बनाना है, तो अब इसका टाइम है कि हम फॉर्म बनाएं। तो कल हम लोगों ने रजिस्टर के लिए काम किया था, उसको लिंक नहीं किया है और लॉगिन के लिए काम करेंगे। तो लिंक करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे कंपोनेंट हेडर के पास। ये मेरा लेआउट है, इसमें हेडर इंपोर्ट है, देखो हेडर यहाँ है, यहाँ इंपोर्ट है, और हेडर का जो डिज़ाइन किया हुआ डिज़ाइन के अंदर header dot js में है, और यहाँ अपना पाथ हम लगा सकते हैं। तो दैट इज होम पेज स्लैश, दैट इज साइन अप पेज स्लैश यूजर, एक मिनट स्लैश साइन अप डायरेक्ट साइन अप, ठीक है। आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ लॉग इन ऑल्सो, स्लैश लॉग इन। तो ये सारा लिंक हम यहाँ ऐड कर दिए। अब हम लॉग इन के लिए फोल्डर बनाएंगे, जैसे हम साइन अप के लिए फोल्डर बनाए वैसे लॉग इन के लिए फोल्डर बनाएंगे। तो हम जस्ट पिक करते हैं किसी वेरिएबल को और यहाँ लिखते हैं लॉग इन स्लैश पेज डॉट जे एस एक्स, ठीक है। द फोल्डर कंप्लीट, और ये साइन अप की तरह होगा इसलिए साइन अप का इसको कॉपी पेस्ट ले सकते हैं, तो कॉपी पेस्ट ले लेते हैं। बस फॉर्म अलग अलग होगा इसलिए हम कॉम्पोनेंट में जाते हैं। ये मेरा कॉम्पोनेंट है, यहाँ साइन अप का फॉर्म बनाए थे, वैसे हमको लॉग इन का फॉर्म बनाना है। लॉग इन फॉर्म डॉट जे एस एक्स, द साइन अप फॉर्म कॉपी directly as a login page, और इसमें से हमको contact हटा देना है, login करने के लिए जो चीज़ चाहिए उसे वही रखना है, और नाम हटा देना, ठीक है। कंप्लीट डन, क्रिएट अकाउंट हेयर लिखा हुआ है, इसको हम लॉग इन हेयर लिख देते हैं,
ठीक है, और क्रिएट अकाउंट हेयर यानी कि इसको भी लॉगिन कर देंगे, डन। और ऊपर आकर हम यहाँ पर ना नेम का हमको स्टेट चाहिए और ना कॉन्टेक्ट का, ईमेल एंड पासवर्ड, सेट पासवर्ड देखो काम नहीं किया, चेक करते क्यों नहीं किया, काम करना चाहिए, हाँ कर रहा है। साइनअप की जगह क्या लिखेंगे बोलो ना, लॉग इन करेंगे और डेटा में क्या क्या पास करेंगे, तो नेम नहीं पास हो सकता और कॉन्टेक्ट पास नहीं होगा, ईमेल एंड पासवर्ड सिर्फ दो चीज़ पास होगा, और ये लॉगिन के लिए हम तैयार हो गए। ठीक है, जो भी मैसेज या एरर आएगा वो यहाँ दिखेगा, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट। ये इम्पोर्ट, अच्छा दिए यूज इफेक्ट, ठीक है। अब हम लॉगिन पेज में इस कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे, इसको हटा देंगे और इसका नाम पहले साइन इन के साइन अप से साइन इन कर, ठीक है, कंफ्यूजन देता है इसलिए, लॉग इन फॉर्म, देखो कॉपी पेस्ट करने का नुकसान ये कि नाम नहीं बताया, एक्सपोर्ट, डन। अब इस पेज में एक्सपोर्ट हो सकता है, लॉग इन फॉर्म, ठीक है, ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया, इट्स परफेक्टली फाइन। अब हम इसको रेंडर करके देखते हैं, इसे लॉग इन पेज, और लास्ट टाइम हम लोगों ने साइन अप के लिए बनाया था, तो लॉग इन पेज इज कंप्लीटेड। आई ट्राई, क्या था ईमेल आईडी पासवर्ड रॉक एट द रेट 123, ठीक है, लॉग इन सक्सेसफुली। इसको कुकीज में चेक करेंगे, मेरा कुकी स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कुकी ही वो चीज़ होगा जिससे हम लोग, ये देखो ये जितने भी एरर्स हैं सबको सॉल्व करने हैं, 452 एरर वार्निंग और 3 एरर, ठीक है। ये एप्लीकेशन में हम गए, यहाँ कुकीज दिख रहा है और कुकीज में देखो टोकन नाम दिख रहा है, और टोकन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं परफेक्टली। तो हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग लॉग इन कर पाए, लॉग इन का डेटा मिल गया, डॉट लॉग इन के आईडी मिल गए, लॉग इन की इन्फॉर्मेशन मिल गए, लॉग इन का सब कुछ हो गया। तो हम लोग लॉग इन का जो डेटा मिला है इसके अलावा हमको अब क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनो। देखो लॉगिन का डेटा या लॉगिन का काम जो करना है वो क्या क्या करना है, उसको करने से पहले हम ये क्लियर कर लें कि हमारा एक इंसर्ट का पेज, इंसर्ट पोस्ट का पेज होगा, इंसर्ट पोस्ट का पेज सिर्फ तभी एक्सेस होगा जब लॉगिन होगा, बस यही मामला है। तो इंसर्ट पोस्ट का पहले पेज को बनाते हैं, फिर उसको सिक्योर करते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड के बिना वो नहीं खुल सकता। तो इसको सिक्योर करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी लेते हैं, वो कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं जो कि इंसर्ट करेगा, तो इंसर्ट पोस्ट फॉर्म डॉट जेएसएस, ठीक है। बहुत इजी फॉर्म में हम साइन अप का कॉपी पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि साइन अप में मैक्सिमम है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, जो चेंजेस करना होगा कर लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर साइन अप का फॉर्म का नाम इंसर्ट पोस्ट फॉर्म रख लेते हैं, ठीक है, नाम चेंज करना बहुत जरूरी है, ये रहा। अब हम इसको एक्सपोर्ट नीचे करेंगे, ये नाम चेंज हो गया। इसके अलावा हमको और क्या क्या चीज चाहिए उस पर स्टडी करते हैं। देखो जो हम टाइप, जो हम डेटा डालेंगे वो कंटेंट के लिए डालेंगे, ठीक है, मॉडल कौन सा होगा, कंटेंट के लिए होगा। तो कंटेंट में टॉपिक आईडी है यानी ड्रॉपडाउन मेन्यू बनाना पड़ेगा, कंटेंट टाइटल है, कंटेंट टेक्स्ट है, ऑथर, ऑथर नहीं बनाना पड़ेगा, लॉगिन किया हुआ बंदा ऑथर है उसी को हम लोग उठाएंगे, विजिट व्यू और स्टेटस नहीं बनाना, तो मतलब हमको टाइटल और टॉपिक और तीन चीज़ें यहाँ बनानी है। तो हम लोग यहाँ पे पहला चीज़ रखेंगे टॉपिक आईडी, ठीक है। नाम हम कोशिश करते हैं हमेशा कि वो नाम लिखे जो मॉडल में है, टॉपिक आईडी, ठीक है। दूसरा है कॉन्टेंट टाइटल और ये है सेट कॉन्टेंट टाइटल, ठीक है, और तीसरा है कंटेंट टेक्स्ट, ठीक है।
इस तरीके से इसका काम हो गया सेट कंटेंट टेक्स्ट। ठीक है, पासवर्ड की हमको जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि ऑथर के लिए तुम ले लो, इसी में डेटा स्टोर कर लेना, वो बाद की बात, अभी इसका इस्तेमाल नहीं है, बाद में इस्तेमाल ऑथर। अब ये जो सबमिट बटन दबाएंगे तो उसके बाद कहाँ जाएगा, वो पोस्ट में कंटेंट में जाएगा, तो API/content वो सब हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, ऑफकोर्स हम यहाँ पे जो चीज़ें डालेंगे वो एक एक करके, टॉपिक आईडी जाएगा, कंटेंट टाइटल जाएगा और कंटेंट टेक्स्ट जाएगा। ठीक है, ऑथर जाएगा, ऑथर जाएगा बट फॉर्म में उसका कॉलम नहीं है। तो ये हो गया पोस्ट मैटर की जानकारी। अब हम यहाँ पे इंसर्ट क्रिएट लिखा हुआ, क्रिएट पोस्ट की जगह लिखते हैं इंसर्ट पोस्ट है। ये फॉर्म है, इसमें ध्यान से हम लोगों को कुछ चीजें बदलनी है। टॉपिक आईडी देखो, ये सिलेक्ट ड्रॉपडाउन मेन्यू में बनेगा, इसलिए इसको इस तरह से नहीं बनाने की जरूरत नहीं, सिलेक्ट टैग से बनेगा ये, और प्लेस होल्डर एकदम काम नहीं करेगा तो हटा देते हैं। ठीक है, और ऑन चेंज में ये जो वैल्यू है, ठीक है, ऐसा सेल्फ क्लोजिंग नहीं होकर एंडिंग टैग होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट टॉपिक, किस टॉपिक का ये कंटेंट है उसको सिलेक्ट करना, उसके लाते हैं कंटेंट टाइटल पे। ये जो नेम है ना, इसकी जरूरत नहीं है अभी, आने वाले समय में जरूरत पड़ेगा तब ये बताते हैं। इंटर पोस्ट टाइटल, यहाँ पे कंटेंट टाइप, यहाँ पे सेट कंटेंट टाइप, ऊपर में यहाँ पे सेट टॉपिक आईडी। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद आते हैं कंटेंट, क्या लिखना है, जो कंटेंट लिखाएगा वो इनपुट टाइप में नहीं टेक्स्ट एरिया में दिखाएगा। इसमें रोज इम्पोर्टेंस होता है तो आप रोज कम से कम देंगे, इसका सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है, इसको ऐसे एंड करेंगे, और इसमें वैल्यू नहीं होता, जो वैल्यू यहाँ लिखे हैं वो नहीं होता। ये सब एचटीएमएल के कोड्स हैं जो कि हमको यहाँ फॉलो करने हैं। कंटेंट टेक्स्ट, और यहाँ सेट कंटेंट टेक्स्ट, पासवर्ड का कॉलम चाहिए नहीं, सबमिट बटन में यहाँ पे इंसर्ट पोस्ट। ये फॉर्म का ढांचा हम तैयार कर लिया है, जिसमें ऑथर का काम अभी नहीं किया है, लेकिन लगभग चीज़ें हम कोशिश किया कि डाल दें। ऑथर यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आएगा, वो रिक्वेस्ट से हम उठा लेंगे। चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्म को एक जगह पर डिज़ाइन करते हैं। देखो, जैसे साइन अप है, जैसे लॉगिन है, वैसे हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम रखेंगे इंसर्ट स्लैश पेज डॉट जेएसएस। ठीक है, और हम इसमें फॉलो करेंगे बाहर का कोई पेज, जैसे लॉगिन का पेज या साइनअप का पेज कॉपी कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। लॉगिन इसमें कहाँ गया, इंसर्ट जब इसको फोल्डर बन जाएगा, फाइल बनने की जगह फोल्डर बन जाए। तो ये दोनों चीज़ हमको नहीं चाहिए, इसका नाम साइनअप की जगह इंसर्ट रख लेते हैं,
ठीक है, और डिज़ाइन को हम लोग इंसर्ट पोस्ट फॉर्म इंपोर्ट कर लिए, और ये हम देखेंगे अब स्लैश इंसर्ट लगा के कि काम कर रहा है। यहाँ पे हम इसको लिंक करेंगे, इंसर्ट पोस्ट या बटन बनाया गया, देखो ये आ गया। हम इसका थोड़ा सा बटन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सब लॉगिन जैसा दिख रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो ऑरेंज कलर, ठीक है। और हम यहाँ इंसर्ट पोस्ट जो है हेडर में उसको भी थोड़ा सा चेंज कर, तुमने नोटिस किया कहाँ है यहाँ, और ये बीजी होवर, बीजी ग्रे, बीजी ऑरेंज, और इसका टेक्स्ट कलर वाइट, और जो होवर करने पर होगा वो ऑरेंज ही होगा। तो तुम इसका कलर चेंज होता हुआ देखो, बहुत लाइट है, इसको डार्क करते हैं, 6-7 कर देते हैं, और ठीक है। इस बटन को क्लिक करने से हम जाए, इसके लिए हमको चाहिए ए टैग, ये अभी ये बटन टैग है, इसको हम लिंक से कन्वर्ट कर लेंगे, लिंक और एच आर ई ए और स्लैश इंसर्ट। कितना आसान है, राउटिंग तो इजी हो गया। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस पेज में आएंगे, और होम पे क्लिक करेंगे तो हम होम में जाएंगे। देखो इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद कब दिखेगा ये सिचुएशन होता है, लॉगिन होने के बाद ही बटन दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, तो फिर लॉगिन और रजिस्टर हट के लॉग आउट दिखेगा, वो भी करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर क्या पास करना है, यहाँ टॉपिक पास करना है, प्रॉब्लम मेन्यू में टॉपिक आ सकता है, तो इसलिए इंसर्ट पेज जो सर्वर कंपोनेंट है उसको लेंगे। यहाँ पर हम वेरिएबल डाल देंगे लेट, और लिखेंगे कॉलिंग टॉपिक, और यहाँ पे असिंक अवेट फेच फंक्शन, स्लैश एपीआई, स्लैश हमको टॉपिक चाहिए तो टॉपिक, ठीक है, ये डेटा आ गया मेरे पास। अब लिखेंगे कॉलिंग टॉपिक इज इक्वल टू अवेट कॉलिंग टॉपिक डॉट जेएसओन, आ गया मेरे पास। अब हम यहाँ पे फॉर्म में पास कर देते हैं, देखो टॉपिक्स, और लिखते हैं कॉलिंग टॉपिक डॉट डेटा, ठीक है, डॉट डेटा क्यों, की का नाम है डेटा, ये सब हमको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एपीआई में क्लिक करके देख लीजिए, डाटा की का उसके अंदर पूरा आ रहे एक वैल्यू स्ट्रक्चर समझो। अब हम लोग यहाँ पे जब इंसर्ट फॉर्म में पास किए तो इसको प्रॉप से एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ पर टॉपिक, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए, और यहाँ आके लूप चला देंगे टॉपिक्स डॉट मैप वैल्यू, ऑप्शन यहाँ पे पब्लिक डेटाबेस में क्या भेजेंगे वो यहाँ पे वैल्यू होगा, या कर्ली ब्रैकेट वी डॉट सॉरी वी डॉट अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद इसको बंद करेंगे, और उसके बीच में क्या दिखाएंगे तो वैल्यू डॉट टॉपिक टाइटल, चेक करो वेट फॉर रिफ्रेश कर्ली ब्रैकेट, हाँ इसका वैल्यू दे दिए, और इसमें की पास कर देते हैं, देखो आगे एपीआई बनाते एक बार है यूज हजार जगह कर, यहाँ भी ड्रॉपडाउन मेन्यू में भी किया, यहाँ भी वही लूप चल रहा है,
बाहर भी चल रहा है, अंदर एडमिन पैनल में भी चल रहा है, बनाए तो एक ही बार एक, है ना। तो अब हम यहाँ से डेटा इंसर्ट कराने की कोशिश करेंगे, टाइटल डालेंगे। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ऑथर नहीं जा पाएगा। क्यों ऑथर नहीं जा पाएगा? क्योंकि ऑथर को हम लोग इंसर्ट कराने के लिए सोचा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो नेक्स्ट जेएस को समझनी है वो है, नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट पर जाकर समझाते हैं। हम ऐसा चाहेंगे ना कि अगर लॉगिन है तो लॉगिन के पेज में ना जाए, साइन अप के पेज में ना जाए, लॉगिन है तो होम पेज पे आए या इंसर्ट पे आ सकता है, अगर इंसर्ट पे जा रहा है बिना लॉगिन किए तो उसको लॉगिन के पेज में भेज दे, ये सारी चीज़ें कौन संभालेगा? एक नया टॉपिक सुनिए, उसको बोलते हैं मिडिलवेयर, ठीक है। अब मिडिलवेयर संभालेगा तो नेक्स्ट जेएस के वेबसाइट पे ही अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो थोड़ा सा राउटिंग, रेंडरिंग, डेटा फेचिंग में देख लेता हूँ। हाँ, राउटिंग के अंदर में मिडिलवेयर नाम का टॉपिक है। इस मिडिलवेयर के अंदर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। देखो, हर एक राउट मिडिलवेयर के पास दो पार्ट होते हैं, इनपुट का पार्ट छोड़ दो, एक पार्ट है जिसमें लॉजिक लिखना है, एक पार्ट है कि किसमें किसमें इम्प्लीमेंट कराना है, मतलब किस किस पाथ में ये मिडिलवेयर काम करेगा और किस किस पाथ में नहीं करेगा। तो ये बेसिकली किस पाथ में करेगा और किस पाथ में नहीं करेगा, इसका मतलब ये है, हम क्या समझाना चाह रहे हैं सुन लो, कि कोई भी वेबसाइट का पेज खोलेंगे तो पहले मिडिलवेयर हिट करेगा अपने आप, जैसे कंस्ट्रक्टर करता था ऑब्जेक्ट कॉल होने के बाद। तो मिडिलवेयर तुमको रन नहीं कराना है, मिडिलवेयर बना देना है उस पाथ में, जिस जिस पाथ को यहाँ नीचे लिख दिया उस पाथ में वो पहले कॉल होगा। यानी हम इसी मेथड का इस्तेमाल करके लॉगिन चेक कर सकते हैं कि है या नहीं है, और हमको बहुत आसानी से ये काम, हाँ बिल्कुल, और एकदम इजी फॉर्म में हम इसको कर सकते हैं। तो चलो हम तुमको दिखाते हैं करके। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि तुमको ऐसा ना लगे कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। देखो, ये मिडिलवेयर फोल्डर हम बनाकर इसके अंदर डाल देंगे। मिडिलवेयर फोल्डर बना के डालने का मतलब कैसे है, देखो देखो क्या क्या बोला है, मिडिलवेयर का क्या क्या इस्तेमाल होता है। मिडिलवेयर हेडर के लिए इस्तेमाल होता है, रिडायरेक्ट कर सकते हैं मिडिलवेयर से, राइट और रिडायरेक्ट कर सकते हैं, बिफोर फाइल राइट कर सकते हैं, स्टैटिक निकाल सकते हैं, कॉल बैक कर सकते हैं, डायनेमिक राउटिंग, सब जगह मिडिलवेयर डाल सकते हैं। तो मिडिलवेयर डालने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है कि मिडिलवेयर का एक फोल्डर बना लिया जाए, जैसे मॉडल का बनाते हो, जैसे यूटिल्स बनाए, जैसे बाकी सब बनाए वैसे ही। तो हम एक और फोल्डर मिडिलवेयर के लिए बनाएंगे। मिडिलवेयर ही एक ऐसा जगह है जिसको बार बार हर जगह नहीं लिखना पड़ता है। मिडिलवेयर नाम का फोल्डर बनाए और उसके अंदर हम लिख देते हैं middleware.js, ठीक है। नाम तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई पंगा नहीं है। देखो, हम कॉपी पेस्ट कर लिया। वो एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये बात को हम ध्यान से समझना। देखो, मिडिलवेयर अलाउ यू टू रन कोड बिफोर द रिक्वेस्ट इज कम्प्लीट, मतलब किसी रिक्वेस्ट को कम्प्लीट करने से पहले ये रन हो जाता है। यानी हम लॉग इन चेक तो पहले करेंगे, जैसे घर में आने के पहले हम चेक कर कौन है तुम, ऐसे। तो यहाँ पे मिडिलवेयर एकदम इजी वर्क कर सकता है। तो मिडिलवेयर कुछ नहीं है, बस एक फंक्शन है जो कि अलग अलग पाथ डिसाइड करेंगे, उसी पे काम करता है, उस पे काम करता है। देखो, ये जेएस के हिसाब से कोड आ गया, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। इसको हम लोग टीएस के हिसाब से आ गया है, तो टीएस के हिसाब से करने के लिए तुमको ये इम्पोर्ट नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, और ये यहाँ से हटा देने की जरूरत है, ये नॉर्मल अब जेएस हो गया। तो जेएस और टीएस में डेटा टाइप का अंतर होता है और कुछ का नहीं है। तो बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे ये कि हम ना किस किस पाथ में मैच कराना चाहते हैं ये पूरा का पूरा रूल, उसको हम यहाँ डाल सकते हैं, उसको हम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं, देखो हम मैचर में क्या क्या लिख रहे हैं, हम जैसे चाहते हैं होम पेज पे ये ही रहे, और हम इसको एक एक करके आगे पूरा एक लिस्ट बना सकते हैं, एरे बना सकते हैं, उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि /sign up पे /login पे, हम एक एक करके बता रहे हैं, बाद में तुमको बता देंगे कि एक साथ भी हो सकता है। उसके बाद /insert पे कहाँ का ही मिडिलवेयर काम करेगा उसका राउट बता दो, बस हो गया, दे सकते हैं, लेकिन हम इसको खोल के दिखाना चाहते हैं, ट्यूटोरियल बता रहे तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके आगे साइन अप, लॉग इन, इंसर्ट और क्या क्या है, देखो API पे लागू नहीं होगा, ध्यान रखना है, और किससे लागू कराना है वो अपना आप सोच लीजिए। आई थॉट कि इंसर्ट का पेज हो गया है, हाँ, ये सब चारों पे लागू कराना है, होम पेज पे लागू कराना है, साइनअप पे लागू कराना है, लॉगिन पे लागू कराना है, इंसर्ट पे लागू कराना है, वो सब हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे जी कैसे आप डील करते हो वो मैटर करता है, मिडिलवेयर बनाने के टाइम में आप डीलिंग आराम से कर सकते हैं। तो आपको जो डीलिंग करना है मिडिलवेयर बनाने के टाइम में वो एकदम सिंपल है,
कि आप अपने मिडिलवेयर के अंदर में पाथ को रिक्वेस्ट करवा सकते हैं। देखिए देखते रहो आप क्या क्या कर रहे हैं। ये रिटर्न है ना, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है, या कमेंट कर देते हैं। ऊपर वाला कमेंट हम हटा ये कर देते हैं, और ये कमेंट की सॉरी ये कमेंट की जरूरत नहीं है, तो हम थोड़ा आसान कर देते हैं। हम सबसे पहले पाथ डिसाइड करते हैं कि कौन से पाथ में अभी हम हैं। तो इसके लिए हम कॉन्स्ट पाथ नाम का वेरिएबल बनाते हैं और लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यू आर एल ऐसे करेंगे, ठीक है, और उसमें लिखना होगा पाथ नेम। नेक्स्ट यू आर एल का पाथ नेम क्या है, तो इस तरीके का पाथ हो गया पूरा। और एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं इज पब्लिक पाथ। पब्लिक पाथ क्या ये पब्लिक पाथ है, और पाथ और इसको चेक करते हैं ट्रिपल इन, इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिकल चेकिंग डेटा टाइप के हिसाब से। तो अगर पाथ में लॉग इन है तो इस तरीके से, या फिर और का साइन पाथ होम पेज पे है तो स्लैश साइन अप, लॉग इन और साइन अप दोनों के लिए हो गई। तो ये हम कॉन्स्ट में स्टोर कर लिए ताकि हम बार बार जब भी हम लगाएंगे इस पब्लिक पाथ तो ये दोनों अपने आप लग जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक वेरिएबल पूरा बना के रख लिया। अब आते हैं टोकन निकालने का काम करते, क्योंकि बिना टोकन के तो हम लोग चेक ही नहीं कर सकते। टोकन कहाँ स्टोर है, कुकीज में स्टोर है, बिल्कुल सही। तो हम टोकन को निकालेंगे कैसे, देखो हम एक वेरिएबल बना देते हैं रखने के लिए, बुलाए हैं तो बैठाएंगे भी तो टोकन में बैठा देते हैं। और कैसे निकालेंगे, तो रिक्वेस्ट से निकालेंगे। देखो आर ई क्यू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज कुकीज डॉट गेट, ठीक है। टोकन का नाम क्या रखे थे, टोकन ही रखे थे टोकन। और कभी कभी क्या होता है कि डॉट गेट करेंगे तो टोकन मिलेगा नहीं, उसमें डॉट वैल्यू इसलिए हम वो लगा दिए। क्वेश्चन आपको पता है ना, ये नलिश वैल्यू क्या करता है, नहीं रहने पर एरर नहीं देगा, रहेगा तो नहीं तो ये आगे वाला क्या होगा एरर दे देगा वैल्यू। तो नहीं रहेगा कभी कभी टोकन, कभी कभी टोकन रहेगा, इसलिए हम दोनों स्थिति के लिए वो लगा दिए। तो अब उसके बाद क्या है कि अगर वैल्यू नहीं मिलता है तो क्या करना है। देखो जब वैल्यू नहीं मिलेगा तो हम और लगा के बता दिए कि खाली स्ट्रिंग रहे। सिंटेक्स एकदम शानदार हो गया कि अगर वैल्यू मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या होगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो हम आराम से कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इफ इस पब्लिक, ऊपर जो वैल्यू बना दी इस पब्लिक एंड इस पब्लिक, यानी हम लॉगिन या साइन अप में होंगे, लॉगिन या साइन अप। इस पब्लिक में क्या है, पाथ किया तो लॉगिन हुआ तो साइन अप होगा। इसका मतलब है कि इसका इसको ट्रिपल कर देते हैं, ट्रिपल आइडेंटिकल चेक होगा, मतलब स्ट्रिंग वगैरह भी चेक होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या इस पब्लिक एंड एंड टोकन, पब्लिक भी रहे और टोकन भी जाए, मतलब लॉग इन या लॉग आउट के अंदर रहे और टोकन भी रहे, तो क्या करना है। तो हम बोले कि देखो रिडायरेक्ट करके तुमको हम भेज देते हैं होम पेज पे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जे एस ऑन, नहीं नहीं डॉट रिडायरेक्ट, देखो इसी से रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कहाँ भेजना है रिडायरेक्ट करके, तो हम यू आर एल जनरेट करेंगे। देखो न्यू यू आर एल URL ऐसे कैपिटल में, ठीक है। और कहाँ जाना है, तो स्लैश में किसके साथ जाना है, तो रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यू आर एल हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर नहीं रहेगा तो क्या करना है, तो अगर नहीं रहेगा तो उसके लिए फिर आगे कार्रवाई इसको हटा ही देते हम, ठीक है। इफ नॉट इस पब्लिक पाथ और या तो एंड टोकन, अगर टोकन भी ना रहा फिर क्या करना है उसके लिए कंडीशन, अगर टोकन और पाथ रहेगा तो फिर क्या करना है, नहीं रहेगा तो क्या करना है, दोनों स्थिति में काम। अब हम लोग क्योंकि क्या करना है, लॉगिंग के पेज में भिजवा देना है इधर कि भैया तुम लॉगिंग के पेज में जाओ। रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कहाँ, तो न्यू यू आर एल और इसमें स्लैश लॉग इन। राउटर भी इम्पोर्ट कर सकते थे लेकिन राउटर में नेक्स्ट रिक्वेस्ट डॉट नेक्स्ट यू आर एल के तौर पर डिजाइन नहीं कर सकते, हो गया। तो आई थॉट कि यहाँ पर काम हो गया, लेकिन हमको किस पेज में चाहिए, किस पेज में चाहिए, ये सब देखना पड़ेगा। हम टोकन डिस्ट्रॉय करके देखते हैं पहले, देखो हम होम पेज पे हैं, हम टोकन जाते हैं डिलीट मार देते हैं, लॉगिन तो अभी हुए हुए हैं, है ना। देखो लॉगिन तो मेरा हुआ हुआ है क्योंकि मेरे पास क्या है, टोकन है,
हम तो कहीं यहाँ से डिलीट मार सकते हैं, डिलीट बटन दबा सकते, डिलीट मार दी, ठीक है। और हम लॉगिन रजिस्टर में जाते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, तो जा पा रहे हैं सकते हैं। हाँ? क्या रूट खोल रहे हो? मिडिलवेयर बाहर निकाल के ऐप से बाहर, ये कह रहे हो कर दिया बाहर। ये इसकी बात कर रहे हो? इसकी हम बाहर निकाल दिया। अच्छा ओ डायरेक्ट फाइल बना दिए, तो भी ठीक बोल रहा है, हम अलग से करेंगे तो वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या बोले? यही तो हमें आपके अंदर ही है। अच्छा रुको एक बार डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। राउटिंग पेजेस एंड लेआउट, है ना, पेजेस या ऐप के इनसाइड SRC के अंदर है तो ठीक है, ये तो लिखा हुआ है सेम लेवल ऑफ द पेज middleware.js, ठीक है। एक बार सर्वर बंद कर देते हैं, मिडलवेयर को अप्लाई करने के लिए शायद सर्वर ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ठीक है, सही जगह डाल दिया, फोल्डर में नहीं होगा, सही कह रहा हूँ। फोल्डर एवरी राउट्स middleware.js मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, सेम लेवल ऑफ ऐप मतलब बाहर, अंदर तो नहीं हुआ ना, सेम लेवल का मतलब वो सिर्फ साथ में होगा, सिब्लिंग्स। हाँ, हो गया हो गया, थैंक यू। मिडिलवेयर सबसे बाहर बनेगा, ऐप के अंदर भी नहीं बनेगा, तो middleware.js अगर हम यहाँ पर ये जो लॉजिक लिखे हैं इसके लिए क्या क्या किए हैं, मैंने समझो, अगर हम दो चीज़ें कह रहे हैं, अगर हम लॉग इन या साइन अप के पेज में नहीं है, लॉग इन या साइन अप के पेज में है, सॉरी पहले यहाँ देखो है, तो टोकन अगर एग्जिस्ट नहीं होता है तो ये वाला काम करेगा, लॉग इन पे भेजेगा, अगर टोकन एग्जिस्ट होगा तो हमको यहाँ भेज देगा। तो हम ये सब कुछ अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। देखो अब हम इसके लिए हम इंसर्ट पे जाने की कोशिश करते हैं, देखो सॉरी इंसर्ट के पेज में जाने की कोशिश करेंगे, नहीं भेजेगा मतलब, देखो स्लैश इंसर्ट लगा कहाँ पहुँच गया, चलो तो मिडलवेयर मेरा काम कर रहा है इसका मतलब, हाँ अपने आप बोलो। तो हम है ना इसमें अब लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं फिर क्या बग है, 1 2 3 साइन।
हम साइन अप हो गए हैं, ये मैसेज हमको आ गया है, इसके बाद हम रिडायरेक्ट नहीं लगाए थे, तो हमको नहीं होगा, मैनुअल करना पड़ेगा। इंसर्ट में आ गए, देखो लॉग इन करने के बाद हम इंसर्ट में आ गए, तो मेरा पूरा परफेक्ट वर्क हो रहा है। इसका मतलब है कि हम इंसर्ट में बिना लॉग इन किए अब जा ही नहीं सकते, तो हम एकदम सिक्योर हो गए यहाँ पे, और हमको सिक्योर डेटा के तौर पे हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली लॉग इन में भी नहीं जा सके और रजिस्टर में भी नहीं जा सके। अगर हम लॉग इन है तो हमको उठा के कहाँ भेज दें, इंसर्ट में भेज दें। इसके लिए हम यहाँ पर इसमें मैचर में और लगा देते हैं, ये लिख देते हैं कि स्लैश लॉग इन में अगर कोई है तो भी लागू हो, स्लैश साइन अप में भी कोई है तो भी लागू हो। तो ये मिडलवेयर में कुछ और भी चीज़ें ऐड कर दी। बंद करते हैं, टर्मिनेशन करते हैं, फिर दोबारा चलाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अगर हम ऑलरेडी लॉग इन हैं तो हमको लॉग इन के पेज में या साइन अप के पेज में नहीं आना, तो यहाँ पे काम हो जाएगा। परफेक्टली फाइन है, सब कुछ ठीक काम कर रहा है और हम लोग अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर पाए, बस एक बार कंपाइल हो जाए, जल्दी से हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो अगर लॉग इन पे जाने का भी कोशिश करेंगे तो हमको इंसर्ट पे भेज रहा है, ठीक है, यानी हम इंसर्ट कर सकते हैं। हम होम पेज पे तो कोई मिडलवेयर नहीं लगाया है, तो होम पेज खुल जाएगा, होम पेज खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, होम पेज के हर टॉपिक को खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अगर हम लॉग इन होंगे तो हम सीधा पहुँचेंगे। या अब क्या काम है हमको, इफ एस लगाना कि यहाँ पर लॉग इन है तो उसका नाम आए, ठीक है, और लॉग आउट बटन आए, और ये इंसर्ट तभी दिखे जब हम मेरा मिडलवेयर सही डेटा रिटर्न कर रहा हो, सही डेटा रिटर्न कर रहा हो, ठीक है। तो मतलब मोटे मोटे तौर पर मिडलवेयर परफेक्ट काम कर रहा है। आज भर इतना ही छोड़ देते हैं हम, परफेक्ट इस तीनों पास पे भी काम कर रहा है, हम चेक कर लिया। अब हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, कल हम लोग इसको इफ एस लगा कर कुकी से डेटा उठाकर हम लोग ऐड करेंगे अपने वेबसाइट पर, लॉग आउट का बटन बनाएंगे और